बाड़मेर जिला मुख्यालय के सभागार में संसदीय सचिव भैराराम चौधरी जब बैठक ले रहे थे, उस दौरान आपके स्क्रीन पर वीडियो में दिख रही महिला वहां पहुंची और उसने ये बताया कि वो बाड़मेर पंचायत समिति की प्रधान हैं। भैराराम सियोल ने जब उनसे पूछा कि आप अपनी तकलीफ़ बताइए, तब उसने बताया कि वो जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद इसके बाड़मेर जिला अस्पताल में उसे निरीक्षण करने से भी रोका जाता है। सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन प्रतिपक्ष की जनप्रतिनिधि महिलाएं भी उनके राज्य में अब सरकारी संस्थानों का निरीक्षण नहीं कर सकती। उनके साथ खुलेआम सरकारी दफ्तरों में दुर्व्यवहार होता है। बाड़मेर दौरे पर आए संसदीय सचिव भैराराम सियोल के सामने बाड़मेर यानी बाड़मेर जिला मुख्यालय की प्रधान पुष्पा चौधरी ने अपना दुखड़ा बताया, तो भैराराम सियोल समेत साथ साथ पूरे जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों की आंखें फट गई। महिला प्रधान पुष्पा चौधरी ने बाकायदा ज्ञापन दिया और यह बताया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते बाड़मेर के राजकीय अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण करने का प्रयास किया, तो वहाँ पर व्यवस्थाएँ कितनी सही कितनी गलत हैं। तो वहाँ पर मौजूद अनिल पंवार नामक एक अस्पताल कर्मचारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया और अस्पताल से बाहर निकाले जाने की धमकियाँ भी दी। जब संसदीय सचिव भैराराम सियोल के सामने यह मुद्दा आया तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और PMO को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला प्रधान के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं हॉस्पिटल गई तब वो मेरे साथ अव्यवहार हुआ और डॉक्टर ने अनिल परमार ने वो मेरे साथ में गाली गलौज दी और अव्यवहार किया। इसलिए और मैं एक जनप्रतिनिधि प्रधान हूँ, जब भी मैं हॉस्पिटल के अंदर जाती हूँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा। और मैं महिला प्रधान होते के नाते उन्होंने एक कंपाउंडर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो आम लोगों के आम महिला के लिए कैसा व्यवहार होगा। आपको पता भी है ना, मैंने आज संसदीय सचिव साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया और मेरे इनके प्रति उचित कार्रवाई की जाए और इनको यहाँ से हटाया जाए। देखिए, प्रधान जी की मेरी बात हो गई है। हॉस्पिटल का ICU का वार्ड जो है उनको लेके और अपना जैसे मेडिकल ऑफिसर के बीच में लेके आपस में कोई ये जैसे मिसकम्युनिकेशन ऐसा जो ये जैसे रहा है, क्यों ICU यूनिट में अंदर जाने के लिए कुछ जो ज़रूरी ये जैसे बातें हैं, तो लेकिन कहीं पर भी यदि अभद्रता हुई है तो मैंने भी माननीय प्रधान जी को कहा कि आप जनप्रतिनिधि है, आपको इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। और प्रधान जी ने माना भी कि मैंने इसकी सूचना अपने ये जैसे पुलिस प्रशासन को मैंने नहीं दी है, आगे से ऐसी कोई ये जैसा है कि जो दुर्व्यवहार है ये महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है। अब कहाँ हुआ, किस लेवल पे हुआ, मैंने SP साहब को बता दिया, वो जांच करके देख लेंगे।